वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इन्वायरमेंटल स्टडीज का वीडियो लेसन नंबर आप 10th देख रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रदूषण। इंग्लिश में आप इसको पोल्यूशन कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार तरह के प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। चारों से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। और वीडियो का प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप लाइक कर दें शुरू में ही। सबसे पहले समझेंगे कि पोल्यूशन या प्रदूषण होता क्या है। हमारे पास क्या क्या है? एक होता है वायु यानी हवा, दूसरा हमारे पास है जल, और तीसरा हमारे पास है मृदा यानी कि मिट्टी। अगर इन तीनों में कोई बाह्य तत्व या कोई बाह्य कारक आकर इन तीनों में शामिल हो जाता है और इन तीनों की शुद्धता को वो गंदा कर देता है यानी उसको दूषित कर देता है या उसमें अशुद्धियां घोल देता है, यही कहलाता है प्रदूषण। या इसको ऐसे समझेंगे, डेफिनेशन आपके सामने है, किसी बाह्य या बाहरी परिवर्तन के कारण अगर पर्यावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण का दूषित हो जाने का मतलब, पर्यावरण हमने समझा था, पर्यावरण क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों का योग होता है। अजैविक घटक कौन कौन से मैंने डिस्कस किए थे आपको? मृदा डिस्कस किया था, पानी डिस्कस किया था, हवा डिस्कस किया था, वायु, ठीक है। तो इनका दूषित हो जाना, इन तीनों का दूषित हो जाना ही क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। समझ आ गई? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसलिए मैंने बहुत सीक्वेंस में शुरुआत में ही आपको जो नो वीडियो लेसन है वो पहले कंप्लीट करा चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। या इसकी डेफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा या मानव की क्रियाओं के द्वारा हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी आती है, उसकी जो क्वालिटी थी पहले से, अगर इन्वायरमेंट पहले से शुद्ध था, साफ था, साफ सुथरा था, और उसमें अब जो है अब वो साफ सुथरा नहीं रहा, गंदगी शामिल हो गई इसमें या फिर ह्रास हो गया, तो ये कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। इम्पॉर्टेंट है। तो ये कैसे करते हैं हम, ये पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है? एयर में आप क्या करते हैं, एयर में आप क्या करें, देखिए रोड में जो है बहुत सारे वाहन जाते हुए और बहुत तेज़ उनके हॉर्न आपने सुने होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर हॉर्न वो बजाते तो इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, एक तरह का प्रदूषण ही है ये। अगर ये साफ सुथरी नदी में हम जो है ये गंदे नालों का पानी जो हमारे शहरों से निकल करके पहुँचता है, ये नदियों में मिल जाता है, ये बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है और ये मिल जाता है किसे? सीधा नदियों में, तो ये पानी को क्या कर देता है? प्रदूषित कर देता है। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी पानी नालों के थ्रू होकर के नदियों में आ जाता है, तो क्या है, वो नदियां भी गंदी हो रही हैं, उनका जल गंदा हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है प्रदूषण। और अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की, या प्रदूषक क्या होते हैं। तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ही प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक के चार प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हमारे पास होते हैं। देखिए, प्राकृतिक प्रदूषण एक होते हैं, नेचुरल पॉल्यूटेंट्स या प्राकृतिक प्रदूषक। दूसरे होते हैं मानवजनिक प्रदूषण, प्रदूषक या एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। इसमें क्या क्या है, देखिए प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो उत्पन्न प्रदूषक होते हैं। प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से लावा बाहर निकलता है और उसमें से बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं जो क्या करती हैं, एक तरीके से एनवायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। भूकंप की वजह से जो प्रदूषण होता है और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से जो है प्रदूषण जो होता है वही पॉल्यूटेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे? प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स। तो इनसे, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले, भूकंप की वजह से निकलने वाले और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स हैं। ये एग्जाम्पल हैं प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स के, ये पूछा जाता है एग्जाम्पल। मानव जनित क्या है? देखिए, मानव हमारी क्रियाओं की वजह से पर्यावरण में डाले गए जो रासायनिक कचरे की जो मानव रासायनिक कचरे को ही हम क्या कहते हैं? मानव जनित प्रदूषण। जैसे गैस है, व्हीकल से निकलती है हमारे वाहनों से, हीट है, धूम है, कोहरा है और कणिकीय प्रदूषण। चलो डिस्कस करते हैं अब कितने प्रकार के होते हैं प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण को बोलते हैं एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पोल्यूशन, और ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन। इन चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ से बने हुए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। तो पहले डिस्कस करेंगे हम वायु प्रदूषण को। मैंने डिस्कस किया था आपको कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, विभिन्न गैसों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? वायुमंडल। और वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीन मेन कंपोनेंट है किसके, 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन है
0.9% और CO2 को भी याद रखेंगे 0.03%। तो वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ और अन्य विषाक्त गैसें या कण या प्रदूषक भी मिल जाने के कारण जो वायु की गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण किस वजह से होता है, देखो स्मोक की वजह से और गैसों की वजह से। आप जलाते हैं, जैसे लकड़ियां जलाते हैं आप, कोयला जलाते हैं, उपले जलाते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ भी जलाते हैं। इनके जलने से जो गैसेस निकलती हैं, जो धुआं उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स होते हैं इन गैसेस में, और ये आकर के मिल जाते हैं एनवायरमेंट में और एटमॉस्फेयर में, या कहेंगे वायु में। तो ये क्या है, वायु को प्रदूषित कर देंगे। तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न होने वाली गैसें ये ये क्या जनरेट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन हाइड्रोजन गैसेस, इस तरह की जो है उत्पन्न करती है। जीवाश्म ईंधन हमने डिस्कस किए थे, ऑलरेडी कर चुके हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, है ना, कोयला होता है, इस तरह से। तो रेफ्रिजरेशन प्रणाली से उत्पन्न, जो आप घर में फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, एसी इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती हैं, CFC, तो ये भी क्या है, ये वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषक कह लीजिए इन गैसों को, और ये वायु प्रदूषण का कारण होती हैं। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर के कंपाउंड्स निकलते हैं। ऊंचाई पर उड़ने वाले जो वायुयान होते हैं, सुपरसोनिक जेट होते हैं, विमानों एवं रासायनिक उर्वरक से जो निकलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब रिलीज होते हैं इनकी वजह से। ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं सारे के सारे, ये पॉल्यूटेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषकों के प्रभाव क्या होते हैं, अगर ये वाले पिछले पेज पर, पिछले स्लाइड पर जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, अगर ये वायु में मिल जाएं और उस वायु को हम अपने अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं आप। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलेंगे CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये रिलीज होकर के, किस तरह से, देखो यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रही थी, कहाँ से, जीवाश्म ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो ये वायु में मिल जाती है। जो वायु में मिल जाती है, अगर हमारी सांस के थ्रू ये शरीर में पहुंच जाए, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर ये ब्लड में क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन है ना, उसकी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जो क्षमता है उसको कैरी करने की, उसको कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में PCS 2012 में, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाए या प्रेजेंस हो जाए, तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है उसको कम कर देती है। ये कारण पूछा गया था। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल से की जो नमी है, नमी से प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करके जो है नाइट्रिक एसिड को क्रिएट कर लेते हैं, HNO3 को, जो बारिश के पानी के साथ धरातल पर आकर गिरता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। अम्ल वर्षा के रूप में गिरता है धरती पर आकर, इसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये अम्ल वर्षा सभी जीवदारियों के लिए हानिकारक है। जैसे आपका जो ताजमहल है, ताजमहल बना हुआ है वाइट संगमरमर से बना हुआ है, वाइट मार्बल से, उसका कलर आज देखोगे आप तो पीला हो रहा है। वो तो पीला क्यों हो रहा है, वो पीलेपन के कारण अम्ल वर्षा ही है। अम्ल वर्षा क्यों होती है, जो वहाँ की मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो इस तरह के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, तो मथुरा बिल्कुल पास में ही है आगरा के, उसी की वजह से जो है ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड एयर में पहुंच रहे हैं। ये फिर क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नमी को सोख कर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके ये बारिश के पानी के साथ जो है गिर रहे हैं ताजमहल पर। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में जो है ओजोन की परत को भी पतली करते हैं। तो इस तरह से ओजोन परत मैंने डिस्कस किया था कि कितना जरूरी है हमारे लिए, है ना, तो उसको भी अगर ओजोन लेयर ना रहेगी तो हमारे ऊपर डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आकर पड़ेंगी सन की, जो हमें स्किन कैंसर भी पैदा कर सकती है हमारी बॉडी में। नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट यानी पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम प्रकाश रासायनिक स्मोक यानी फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। तो ये पौधों और प्राणियों के लिए हानिकारक होता है। नाइट्रोजन गैस उत्सर्जन करने वाले देश जो है, नंबर वन पे है चाइना, 20% उत्सर्जन है, नंबर टू पर है इंडिया और नंबर तीन पर है अमेरिका। तो ये याद रखेंगे, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ सल्फर के ऑक्साइड डिस्कस करेंगे अब। तो सल्फर, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण प्रदूषक माना जाता है ये। तो SO2 को हम क्रैकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मथुरा तेल शोधक कारखानों से निकलने वाले जो SO2 ही जो है क्या है, आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है।
ठीक है, तो सल्फर डाई ऑक्साइड जो मथुरा की तेल शोधक ऑयल रिफाइनरीज हैं, यहाँ से SO2 जो निकलती है यही क्या है, ठीक है, और उसके साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, तो वो भी क्या है, ये सब क्या है रीज़न, ताजमहल की तबाही, मतलब ताजमहल का जो रंग धीरे धीरे पीला हो रहा है वो यही वजह है। तो वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके H2SO4 बनाती है और यही सल्फ्यूरिक एसिड जलवर्षा के साथ धरातल पर गिरती है। वो भी एसिड था, HNO3 भी एसिड ही है और H2SO4 भी एसिड है, तो ये वो भी होता है बारिश में, आपका HNO3 जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है ये भी, तो ये एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आकर गिरती हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से क्या होता है ताजमहल पर पीलापन बढ़ता जा रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये क्या है, ये क्लोरीन और फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण कंपाउंड्स होते हैं। स्प्रे कैंस होती हैं आपके पास में, एयर कंडीशनर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, फॉर्म प्लास्टिक अग्निशामक जो होते हैं, इन सब से क्या है CFC गैस निकलती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम होता है इसका फुल फॉर्म। उनके वायुमंडल में पहुंच जाने के कारण जो समतापीय मंडल है, ठीक है, उसमें जो है स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है, ओजोन गैस, उसकी ओजोन की जो लेयर है ना उसको जो है डिग्रेड करती है, उसको कम कर देती है, तो इससे क्या है हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए सूरज से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो हरित गैस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो जाती है, इसको डिस्कस करेंगे अलग से चैप्टर है ये, जिसके कारण निचले वायुमंडल और धरातलीय सतह पर तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है अर्थ के या एटमॉस्फेयर के। मीथेन गैस भी वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 20% योगदान देती है। तो जो धान के खेत होते हैं आपके पैडी फील्ड कहते हैं, ठीक है, चावल की खेती को क्या हम बोलते हैं, धान के खेत या पैडी फील्ड बोलते हैं उनको। कोयले की खदानें और घरेलू पशु वातावरण जो है, जो घरेलू पशु होते हैं ना उनके मुँह जुगाली करने वाले जो होते हैं उनके मुँह से निकलती है गैस जिसका नाम है मीथेन। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में कि घरेलू पशु जो होते हैं उनके मुँह से कौन सी गैस निकलती है, या ऐसे पूछता है कि जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से जो है कौन सी गैस निकलती है। जुगाली करने मतलब जो कट च्यूइंग करते हैं, यानी आपने देखा होगा आपके घरों में जो बकरियां हैं, भैंसे हैं, गायें हैं, ये सब क्या करती हैं, ये भोजन करने के बाद, भोजन मतलब चारा खाने के बाद में कुछ देर तक ये बाद में अपनी जो है जबान मुंह को जो है चलाती रहती हैं, जबड़े इनके चलते रहते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना या कट च्यूइंग। तो उनके जो माउथ से जो गैस निकलती है वो मीथेन होती है। धान के खेत से भी मीथेन निकलती है और कोयले की खदानों से भी मीथेन निकलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगली बात करेंगे शीशा की या लेड की। तो शीशा वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर लेड ऑक्साइड क्रिएट कर लेता है, अगर सांस के जरिए शरीर के अंदर पहुंच जाए तो ये नर्वस सिस्टम को जो है एक तरीके से प्रभावित करता है और मस्तिष्क जैसी बीमारियां जो है, मस्तिष्क की बीमारियां ये पैदा कर सकता है। स्टोन लेप्रोसी नाम का एक शब्द आता है एग्जाम में आपके, तो जो एसिड रेन होती है ना, एसिड रेन के कारण जो प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की संज्ञा, इसी को हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। देखिए जैसे अभी हमने ताजमहल देखा, ताजमहल को क्या है अम्लीय वर्षा के कारण क्या है उसका रंग चेंज हो रहा है, जैसे और आपने देखी होंगी मूर्तियां वगैरह, कभी देखना पत्थर की मूर्तियां वगैरह को या फिर मेटल की मूर्तियां वगैरह, एसिड रेन की वजह से उनका रंग जो है अलग ही चेंज होता चला जाता है, बदसूरत हो जाती हैं एक तरीके से, तो ये स्टोन लेप्रोसी या इसी प्रोसेस को बोलते हैं अम्ल वर्षा के कारण किसी प्राचीन भवन का, प्राचीन इमारत का या मूर्ति का गलने की संज्ञा या गलने का प्रोसेस ही कहलाता है स्टोन लेप्रोसी। तो सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली परत करती जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मोग, अभी जो पिछले पेजों में पढ़ा है हमें, किन गैसों को सम्मिलित, प्रकाश जो फोटोकेमिकल स्मोग है, किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है इसमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन। पैन का फुल फॉर्म है पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट वन, तो लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, ये वायु प्रदूषण के होते हैं लाइकेन्स। अगला देखिए, इटाई रोग किस कारण होता है, कैडमियम की अधिकता के कारण। क्रैकिंग गैस क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 55, CFC उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, सबसे ज़्यादा पूछता है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एक pH स्केल होता है, हम कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, अम्ली है या क्षारीय है, यानी बेसिक है, कैसे पता लगाएंगे हम, उसके लिए एक स्केल होता है, स्केल पर होती है मार्किंग 0 से लेकर 14 तक। तो 7 जो होता है, 7 जो मार्किंग होती है 0 से लेकर 7 तक, तो ये अगर किसी भी विलयन, देखिए किसी भी घोल यानी सॉल्यूशन या विलयन को
अगर आप उसका पीएच माप रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी है उसके अंदर, अगर उसका वैल्यू इस स्केल पर 7 से कम आती है या 0 से 7 के बीच में आती है, तो वो विलयन जो है वो एसिडिक होगा। अगर 7 से लेकर 14 के बीच में आती है तो वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए नींबू का रस जैसे, तो यहाँ अम्ल क्या होते हैं, इनका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है। पीएच इनका जो पीएच होता है 2, इसका नींबू के रस का पीएच 4.3 होता है अम्ल वर्षा का, और स्वच्छ वर्षा का 5.6 होता है। शुद्ध जल का पीएच होता है 7, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और रक्त जो ब्लड होता है, ब्लड का जो होता है आपका वो बेसिक होता है ब्लड, 8.1 होता है समुद्री जल का, और पीएच 9 होता है बेकिंग सोडा का। तो ये हमारी पीएच वैल्यूज हैं। अब बात करते हैं एसिड रेन की। जब वर्षा के जल में जो बारिश का पानी है इसमें अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। हमने देखा था किस तरह से जो हमारे व्हीकल्स हैं या कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं वही गैसेस जाकर आसमान में जो है बादल का जब फॉर्मेशन करती हैं तो बादलों के साथ यानी कि एक वाटर के साथ में जो है वो शामिल हो जाती हैं, और जब बारिश होती है तो नीचे आकर के गिरती हैं अर्थ पर। तो ऐसी वर्षा जिसका पीएच वैल्यू 5 से लेकर के 6 के बीच में होता है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। तो अम्लीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के यौगिक रासायनिक अभिक्रिया करके अम्लीय पदार्थों में बदल जाते हैं। तो वर्षा के जल में अम्लों की उपस्थिति को अम्ल वर्षा कहते हैं। ये सवाल अलग अलग पूछे गए इसलिए मैं अलग अलग तरह के डेफिनेशंस यहाँ पे कवर किया है। तो अब बात करते हैं जल प्रदूषण की, इसको बोलेंगे वाटर प्रदूषण। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषण कहते हैं। जल में शामिल होने वाले ऐसे तत्व जो जल की प्योरिटी की, उसकी शुद्धता को कम कर देते हैं, उसकी क्वालिटी को या गुणवत्ता को कम कर देते हैं, वही जल प्रदूषक या वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसी प्रोसेस को या पानी के दूषित हो जाने को क्या कहेंगे, जल प्रदूषण। तो औद्योगिक होते हैं जो इंडस्ट्रीज निकाल रही हैं, क्लोराइड है, सल्फर कार्बोनेट है, पारा है, ये सब कहाँ से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। और कृषि से भी निकलते हैं कुछ, जैसे फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं, कवकनाशी यूज़ करते हैं, कीटनाशी या जीवाणुनाशी, ये सब क्या है, ये जल को प्रदूषित करते हैं। नगरीय प्रदूषक भी होते हैं कुछ, जो नगरीय सीवेज होता है, सीवेज जल में उपस्थित, ठीक है, जो सीवेज होता है आपका शहरी क्षेत्रों में, जो घरेलू सीवेज में लगभग 99% जल होता है और 0.1% प्रदूषण उसके अंदर शामिल होता है। तो इनके 90% से अधिक प्रदूषण को का जो केंद्रीकृत है, वो जो इनका ट्रीटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा शुद्ध किया जाता है इस पानी को। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में बनाया गया था, ठीक है। और भारत सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषित जल को स्वच्छ करने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का गठन किया था 1985 में, जिसे 1995 में नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, NRCA, नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। तो रासायनिक मानव विकास स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का जो पीने वाला पानी होता है उसका पीएच 7 से 8.5 के मध्य होना जरूरी है। जल प्रदूषण या जल प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं ये आते हैं आपके एग्जाम में, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। एस्बेस्टस नाम का सब्सटेंस, इसके रेशे अगर पानी के अंदर मिल जाएं और इस पानी का सेवन अगर आप कर लेते हैं तो एक बीमारी हो जाती है इससे, जिसका नाम है एस्बेस्टोसिस। इसको बोलते हैं फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसी को बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। और एस्बेस्टस के जो है पानी में मिल जाने के कारण आप अगर उस पानी को पी लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है और फेफड़ों में कैंसर भी हो सकता है। पारा, अगर किसी जल में पारा मिल जाए, ठीक है, यानी मरकरी शामिल हो जाए उस पानी, और उस पानी को अगर आप पी लो तो उससे बीमारी हो जाती है मिनीमाटा रोग, ठीक है। और 1956 में पारायुक्त मछलियों के सेवन से जापान में ऐसा हुआ था, जापान में जो है मछलियों में जो पारा पाया गया था और इन मछलियों का जब सेवन किया गया जापान के लोगों के द्वारा, तो उन लोगों में भी जो है इस तरह से क्या हुआ, ये मौतें हुई वहां पर, ठीक है। पेयजल में अगर नाइट्रेट मिल जाए पानी, पेयजल मतलब होता है पीने का पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम की बीमारी हो सकती है, तथा कैडमियम की अधिकता अगर हो जाए तो इससे इटाइटाई रोग भी हो सकता है। इटाइटाई रोग में हड्डियां और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। नेक्स्ट वन देखो, मैंने यहाँ लिस्ट कर दिया, फ्लोराइड की अधिकता अगर पानी में होगी तो फ्लोरोसिस नाम का एक रोग हो जाएगा। इसका मतलब होता है दांत और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं आपकी, इसको फ्लोरोसिस बोलेंगे। आर्सेनिक की अधिकता पानी में हो जाए, उस पानी का इस्तेमाल आप कर लें, इससे ब्लैक फूट नाम की बीमारी हो जाती है। सीसायुक्त पानी आप पी लें तो इससे एनीमिया रोग हो जाता है। अगर सागर के निकटवर्ती जो जलीय भाग में खनिज तेल के रिसाव से उत्पन्न जो ऑयल होता है
ऑयल स्पिल इसको, ठीक है, ऑयल स्पिल तथा कारखानों से विषाक्त अपशिष्ट के विसर्जन के कारण अधिकांश सागरीय जीव जो है मछलियां मर जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो ऑयल स्पिलेज क्या होता है, या तेल अधिप्लाव जो जलीय सतह होती है, जो वाटर के ऊपर महासागर के ऊपर या जो ऊपरी वाली लेयर होती है, ऊपर का जो पानी होता है ना, उस पर जो है तेल का तीव्र गति से फैलना, अगर तेल उसके ऊपर फैलता जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑयल स्पिलेज या तेल अधिप्लाव, इसको याद रखेंगे। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, उसके प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से होते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था पिछले प्रीवियस ईयर के 2017 के पेपर में। पश्चिम बंगाल के किन चार जिलों में आर्सेनिक यानी संख्या बोलते हैं इसको, आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से ज्यादा पाई गई थी। तो वहां का जो पश्चिम बंगाल का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जो है आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई थी। मुर्शिदाबाद था एक जिला, नदिया था, उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना, ठीक है, इनको याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी मिला था, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांव ऐसे हैं जो जल उनका जल जो है प्राकृतिक रूप से किसी तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित है, वो कौन सा है, फ्लोराइड के कारण है। तो ये दो क्या है, ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये अंडरग्राउंड वाटर में है ये अशुद्धियां। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वस्थ आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है या खतरा नहीं है, इतनी मात्रा चल जाएगी, अगर इतनी मात्रा है, अगर इससे ज्यादा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 0.01 मिलीग्राम एक लीटर में 0.0 मिलीग्राम इतना चल सकता है, इससे ज्यादा होगा तो आपको बीमारी पैदा कर सकता है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जल प्रदूषण के, स्टैंडर्ड हैं उनको मापने के लिए, एक DO होता है, DO को बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है वही DO कहलाती है। तो ये क्या है, DO क्या होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो होती है जो जलीय जीवों, देखिए जल में घुलित ऑक्सीजन की वो मात्रा जो जलीय जीवों के लिए, जो जलीय जीव का मतलब जो पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनके श्वसन के लिए आवश्यक होती है, इतना होना चाहिए DO का मान। तो जल में DO की मात्रा 8.0 यानी 8 मिलीग्राम, अगर इससे 8 मिलीग्राम एक लीटर में अगर DO की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जो है इतनी कम हो जाती, इससे अगर कम रहती है 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम हो जाती है तो ऐसे में जल को जो है क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड जल कहते हैं या दूषित जल हो जाता है वो। इतना ज़रूरी है डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होना, तभी वो पानी शुद्ध होगा, साफ होगा। तो जब ये मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित, ये हाईली पोल्यूटेड हो जाता है। इन दोनों डेटास को याद रखना है आपको, घुलित ऑक्सीजन से ही जो है जलीय जीव जीवित रहते हैं, याद रखिएगा। सवाल है घुलित कौन सी ऑक्सीजन होती है जिसकी वजह से जलीय जीव एक तरीके से क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो होती है घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके बाद आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बोलते हैं BOD की फुल फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछी हुई है, UPTET के पेपर में ही पूछी हुई है, जैविक ऑक्सीजन मांग। तो BOD भी क्या है, एक जल प्रदूषण के मानक निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। और BOD क्या है, ऑक्सीजन की वो मात्रा होती है जो सामान्य टेम्परेचर पर किसी जल के एक लीटर हिस्से में 5 दिन में सूक्ष्म जीवों के जो जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल ये डेफिनेशन ऐसे ही, टेक्निकल डेफिनेशन है ये एक्चुअली आपकी। तो नदियों में BOD का स्तर आपको 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, इसको याद रखेंगे जो फैक्ट दिए हैं आपको। जो हाई BOD का मतलब होता है जल में DO की मात्रा निम्न होना, क्योंकि ये रिवर्स होते हैं एक दूसरे के, ये अपोजिट होते हैं, याद रखेंगे इसको भी। अब एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। पानी में प्रदूषण को व्यक्त करने के लिए रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड जो है ये दूसरा स्टैंडर्ड है इसका, और इसकी जो सहनीय वैल्यू है 20 मिलीग्राम पर लीटर जल में होनी चाहिए इसकी मात्रा, ठीक है। MPN होता है एक मोस्ट पोर्टेबल नंबर, सर्वाधिक संभाव्य संख्या, जिस जल में जलमल, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है जो हमारे सीवेज से निकल के जाता है जलमल, और जैसे अवशिष्ट पदार्थों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई पाए जाते हैं, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है उसमें, ठीक है। जैसे ही इस ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया की संख्या अधिक हो जाती है, मतलब MPN परीक्षण की सहायता से हम ई कोलाई आदि जीवों की पहचान करते हैं, उनको मापा जाता है। MPN क्या होता है, मोस्ट पोर्टेबल नंबर या सर्वाधिक संभाव्य संख्या का मतलब है, जिस जल में जलमल जैसे अवशिष्ट होते हैं उनका प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई ये बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, और इन्हीं का पता लगाने के लिए ई कोलाई कितने हैं कितने नहीं, तो हम क्या करते हैं उनको MPN करते हैं, ठीक है, MPN के थ्रू पता लगाते हैं। एक शब्द होता है यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन को बोलते हैं सुपोषण, जल प्रदूषण से संबंधित है ये टर्म, ठीक है, ये जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ना ही क्या कहलाता है, सुपोषण,
यहाँ कहेंगे सुपोषण, ठीक है। तो बीओडी क्या होता है, जल प्रदूषण की एक इकाई है, पूछा हुआ है। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, कानपुर और इलाहाबाद के अंदर है, इसके मध्य में पाई जाती है। तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफैगस नाम का बैक्टीरियोफैज, ठीक है, बैक्टीरियोफैज नाम का एक वायरस होता है, पाया जाता है गंगा नदी में जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दूसरे बैक्टीरियाज को ये खा जाता है। तो गंगा पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। भारत सरकार ने गंगा नदी, आप पता है कितना पोल्यूशन है गंगा नदी पर, घाटों के थ्रू आप देखते हैं या फिर नाले वगैरह जो भी हैं गंगा नदी में सीधे मिल रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन बढ़ गया है गंगा के अंदर। तो भारत सरकार ने गंगा नदी को शुद्ध करने के लिए, उसको प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ऋषिकेश से कलकत्ता तक के बीच में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साल 1984 में पंचवर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम बनाया था, जिसके लिए साल 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण सेंट्रल गंगा अथॉरिटी का यानी सीजीए का गठन किया गया, और इसी साल गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत भी की गई थी। तो पहला गंगा एक्शन प्लान आया था, गैप इसको बोलेंगे, 1986 से लेकर चला था ये 93 तक। 1995 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण सीजीए का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी में इसका विलय कर दिया गया था, इसको याद रखेंगे। अगला पोल्यूशन है ध्वनि पोल्यूशन या नॉइस पोल्यूशन इसको बोलेंगे। तो हम जो आप अगर एयर में जो भी ऑडिबल साउंड होती है, जो सुनने लायक होती है, सहन कर सकते हैं जितने कान आपके, उसको बोलते हैं ऑडिबल, या एक तरीके से सह सकते हैं जिसको आपके कान, वो होगी आपकी ऑडिबल साउंड। तो ध्वनि की तीव्रता जब अधिक हो जाती है उसे बोलते हैं नॉइस, ठीक है, शोर बोलते हैं इसको, नॉइस को, या ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि की इकाई या ध्वनि को आप डेसीबल में मापते हैं या डीबी से शो करते हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपसे। सारे फैक्ट जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, सारे वीडियोस में सारे स्लाइड्स पर एक एक क्वेश्चन का आंसर है ये। तो जो हम लोग बातचीत करते हैं आपस में बैठ करके, बातचीत करते हुए जो आवाज़ है वो कितने डेसिबल होती है, 60 डेसिबल। जेट प्लेन जो गुजरते हैं, जो जेट प्लेन ऊपर हवा में गुजरते हैं, विमानों की जो आवाज़ होती है ना, वो 150 डेसिबल होती है। तो ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जो जेट विमान होते हैं, उनसे जो उत्पन्न शोर होता है उसको हम बोलते हैं सोनिक बूम। याद रखेंगे इस टर्म को, सोनिक बूम को मैक यूनिट में व्यक्त किया जाता है। जैसे इसको डेसिबल को हम, इसको नॉइस को हम डेसिबल में व्यक्त कर रहे थे, ये ध्वनि को डेसिबल में हम व्यक्त कर रहे थे, ऐसे ही जो ध्वनि की जो गति होती है 334 मीटर पर सेकेंड होती है, किसकी, ध्वनि की जो चाल होती है, स्पीड होती है। तो मैक यूनिट में इसको व्यक्त करते हैं, तो मैक वन और मैक टू। तो मैक वन यूनिट किसकी होती है, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न जो शोर होता है उनको मैक वन यूनिट में रखेंगे, और जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार से चलती हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट चलिए देखिए, ऑडिबल साउंड क्या होती है, श्रव्य, ऑडिबल साउंड को बोलेंगे श्रव्य ध्वनि। तो मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, उसको सुन सकते हैं, इसी रेंज में सुनते हैं। तो हमारे लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसकी इतनी आवृत्ति, हर्ट्ज मतलब होता है ये आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, इस ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो इसे मनुष्य का श्रव्य प्रास भी कहते हैं, ऑडिबल रेंज, यानी इस रेंज में मनुष्य को सुनाई दे सकती है आवाज़। इंफ्रासोनिक होती है अपश्रव्य, 20 अगर 20 हर्ट्ज से कम है फ्रीक्वेंसी किसी ध्वनि की, 20 हर्ट्ज से कम है तो इंफ्रासोनिक होती है, और अल्ट्रासोनिक होती है 20 किलो हर्ट्ज से, इससे कम होगी तो, इस वाले 20 हर्ट्ज से कम होगी तो इंफ्रासोनिक, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो अल्ट्रासोनिक। तो ये रेंज आपको पूछी जाती है तीनों एग्जाम में, याद रखेंगे। ध्वनि की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, ये भी पूछा जा चुका है। ध्वनि का वेग जो होता है वो 332 कहीं मिलेगा आपको, 332 या 334 मिलेगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए छिपी हुई वस्तुओं का, देखिए समुद्र में कोई जेट विमान जो होता है, अगर कभी सपोज करिए वो पानी में गिर गया, क्रैश होने के बाद में सागरों में गिर गया, तो उसका पता कैसे लगाते हैं हम। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, उसकी गहराई या फिर समुद्र में छिपी हुई वस्तु या फिर जो क्रैश प्लेन होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट वन देखिए, एक शब्द होता है ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अधिक ध्वनि को, जो अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाए जाते हैं एक तरीके से। जो बड़े हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अधिक, जहाँ पर ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है ऐसे क्षेत्रों में उनको लगाया जाता है, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंग को अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है।
तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पेड़ पौधे ही क्या कहलाते हैं? ग्रीन मफलर। क्वेश्चन पूछा हुआ ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर संबंधित किससे हुआ? ध्वनि प्रदूषण से, ना कि वायु किसी दूसरे प्रदूषण से नहीं, ध्वनि प्रदूषण से, याद रखेंगे। अगले हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जनित जो प्रदूषण होता है वो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है। थोरियम, प्लूटोनियम, ये क्या है आपके? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो रेडियो एक्टिव प्रदूषण की मापन की इकाई क्या होती है? रोएंटजन होती है, रोएंटजन। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने, नोबेल प्राइज जीता था इसके लिए। भारत में सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पर है? ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कहाँ पर है? केरला के अंदर है। और ऐसा ही हुआ था, देखिए, जब अमेरिका ने एक बम गिराया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, कहाँ पर? जापान में। पहला बम गिराया था 6 अगस्त को हिरोशिमा में, दूसरा अगस्त 9 अगस्त को गिराया था नागासाकी में, जापान पर, ठीक है, परमाणु बम गिराया था। ये क्या है? रेडियो एक्टिव, एक तरीके से क्या है? विकिरण है, रेडिएशन थी इससे निकली हुई, जिसकी वजह से आज तक जो है वहाँ के जो लोग हैं अभी तक क्या है, अपंग पैदा होते हैं, या फिर उस एरिया के जो लोग हैं या बच्चे हैं वहाँ के, तो उसमें इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये आपके जीन को परिवर्तित कर सकते हैं, इस तरह के जो पॉल्यूशन है, और आपके गुणसूत्र को भी। अब डिस्कस करेंगे भोपाल में यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट है, तो यूरियन कार्बाइड जो कीटनाशक संयंत्र के टैंक का नाम है 610, इसमें 2 दिसंबर की रात 10 बजे जो है इसमें क्या है, जल प्रवेश कर जाता है, जिससे जो 42 टन का मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, इसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट भरी हुई थी MIC, और इसके मिल जाने की वजह से और जल से रासायनिक क्रिया करने के बाद में ये MIC इसका टैंक के टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर सहन क्षमता नहीं होने के कारण ये गैस टावर को जो है खोलने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो विषाक्त गैस बनी है अभी, जहरीली गैस, वो हवा में घुल जाती है, और 3 दिसंबर को ये घटना होती है, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी किस तारीख को हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजिडी, इसी को बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी या भोपाल गैस त्रासदी, ये हुई थी 3 दिसंबर को, ठीक है। कौन सी गैस लीकेज हुई थी, यही क्वेश्चन बनता है, पिछले ईयर्स में बन चुका है, मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO, ये इसको MIC बोलेंगे या MIC बोलेंगे। भोपाल गैस ट्रेजिडी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। एक है बायो रिमेडिएशन, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके हम पर्यावरण से जो विषैले टॉक्सिक पदार्थ हैं अगर उनको दूर कर रहे हैं, उनको हम डैमेज कर रहे हैं, सॉरी उनको एक तरीके से नष्ट कर रहे हैं हम या खत्म कर रहे हैं, तो जैव उपचारण कहलाता है। अब बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है। देखिए पॉलीथीन होती है हमारे पास, पॉलीथीन जो होती है सी कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो प्लास्टिक जो है एथिलीन का बहुलक होती है, सवाल पूछा जा चुका है, C2H4 यानी एथिलीन का ही बहुलक या पॉलीमर होती है। पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वे बनी होती हैं। देखिए निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती है, तो पॉलीथीन इतनी खतरनाक होती है, इसको बैक्टीरिया भी नष्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसका क्षय होने के, एक सवाल ये बनता है किसका क्षय होने में अधिक समय लगता है, 6 मतलब ये डिग्रेड यानी इसको खत्म होने में कई हजार साल लग सकते हैं, ठीक है, इसको पिन्नी को या पॉलीथीन को कई सैकड़ों साल भी लग सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं होती है और पॉलीथीन को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे बनी होती है किसकी, बहुलक की, एथिलीन की, इसको याद रखेंगे आप। तीनों क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन थे अलग अलग जो हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट वन देखिए, जो क्लोरोमीन होती है NH2 और Cl, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड Cl2, ये जल का जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल के बैक्टीरिया खत्म करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। क्लोरीन नहीं होगा ऑप्शन में, तो क्लोरोमीन N2NH2Cl और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेयजल, पीने के पानी को जीवाणु रहित करने के लिए क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का भी उपयोग किया जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और राजेंद्र सिंह जो है, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का जल पुरुष, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट। तो वीडियो को पसंद किया है आपने तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपके लिए बेनिफिशियल है ये, और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आप जो है CDP के लिए कह रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, तो 1 तारीख से 1 अगस्त से जो है CDP भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये हमारा लगभग कंप्लीट होने को है, 2 या 3 टॉपिक और बचते हैं अभी इसमें, उनको भी बहुत आराम से कर लेंगे। और आप कह रहे थे संविधान के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए लास्ट ईयर में, मैं जानता हूँ, और इसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे गए EVS वाले सेक्शन में, उनको भी कंप्लीट कराएंगे, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।